हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज एक और उपाय बताने आई हूँ मैं। ये तंत्र शास्त्र के उपाय हैं जो छोटे छोटे हैं, मेरे गुरुजी के बताए हुए हैं, और इनका इफेक्ट बहुत जल्दी होता है और ज़्यादा दिन तक रहता है। जो भी बच्चे पढ़ने में तेज नहीं हैं, मध्यम बुद्धि के हैं, पढ़ नहीं पाते या कुछ चीज़ें पढ़ते हैं उनको याद नहीं होती है, उन बच्चों के लिए एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ। ये माँ कर सकती है अपने बच्चे के लिए और उसका बहुत सुंदर रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके बच्चे की बुद्धि जो है वो बड़ी तेज़ी से तीव्र होगी, तीक्ष्ण होगी, और आपको समझ में आएगा। आपके बच्चे जब आपसे सवाल जवाब करेंगे ना, तो आप समझेंगे कि हाँ, हमारा बच्चा पहले से ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। तो आपको इसके लिए करना क्या है पता है? आपको इसके लिए पहले एक बताशा लेना है और एक कप दूध। तो बताशा लेके 11 बार आपको पढ़ना है उस पे, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। ये वाली चौपाई पढ़ के, और आप इसको इसको पढ़ने के बाद आप उस बताशे पे 11 बार पढ़ने के बाद 21 बार पढ़ने का फूक मार दीजिए और वो बताशा उस दूध में डाल दीजिए और वो दूध अपने बच्चे को पिलाइए। वो कप वाला जो दूध है वो बच्चे को डेली पिलाएं आप, ऐसे कर करके, और अपने बच्चे को बोले कि ये चौपाई जो है वो उसको पढ़ते रहें, हमेशा दिन में पढ़ें, रात में सोने के पहले पढ़ें, सुबह उठ के पढ़ें। आपके बच्चों की बुद्धि अपने आप धीरे धीरे बदलने लगेगी और यकीन मानो रिजल्ट 101% और जल्दी और अच्छा मिलेगा। तो करके देखो। ओके।